अपने सभी व्यूअर का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं डॉक्टर रिचा श्रीवास्तव, होम्योपैथिक फिजिशियन। फ्रेंड्स, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके बहुत अर्ली एज में जो उनके हेयर जो होते हैं वो ग्रे होने लगते हैं, मीन्स जिन लोगों के असमय बाल सफेद होने लगते हैं, उन लोगों को आज मैं होम्योपैथी की बहुत अच्छी मेडिसिन बताऊंगी जिनकी हेल्प के थ्रू आप अपने बाल सफेद होने की प्रॉब्लम में आराम पा सकते हैं। और मेडिसिन के साथ मैं आपको एक ऐसा हेयर ऑयल भी बताऊंगी जिससे अगर आप रेगुलर मसाज करते हैं तो आपके जो सफेद हो रहे हैं बाल वो रुक जाएंगे और आपके बाल जो है वो घने भी हो जाएंगे। फ्रेंड्स, जो बालों का सफेद होना है ये एक एज जैसे जैसे बढ़ती है उस टाइम पे अगर ये बाल सफेद होते हैं तो ये नॉर्मल है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बाल सफेद होना नॉर्मल है। लेकिन आपने देखा होगा आजकल जो है बहुत जल्दी बाल सफेद होने लगे हैं, छोटे छोटे बच्चों में भी बाल सफेद होने लगते हैं, टीनेज के बच्चों में भी बाल सफेद होने लगते हैं, यंग पीपल्स के भी बहुत जल्दी बाल सफेद होने लगते हैं। इनके भी अलग अलग कारण हो सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेस बहुत बढ़ गया, पॉल्यूशन बढ़ गया, केमिकल बहुत ज्यादा यूज करने लगे हैं, न्यूट्रिशन की कमी होना भी इसका एक मेन कारण है, मींस जो हेल्दी डाइट है वो आप नहीं ले रहे हैं। इसके अलावा कुछ बीमारियां, मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है, तो कारण तो बहुत है। फ्रेंड्स, जो हमारे बाल या हेयर है वो दो पार्ट से मिलकर बने होते हैं, एक कहलाता है सेफ्ट और एक कहलाता है रूट। सेफ्ट मीन्स जो हमारे ये बाल हमें दिखते हैं, हमारी आंखों से विजिबल है, वो सेफ्ट है। और जो रूट है वो हमें दिखती नहीं है क्योंकि वो हमारी स्किन के अंदर होती है, जो हमारी स्कैल्प होती है, हमारा सिर होता है, उसके अंदर रूट होती है। और उस रूट में होता है एक हेयर फॉलिकल, उस हेयर फॉलिकल से एक तो हेयर निकलता है, दूसरा पिगमेंट सेल्स होती हैं उसमें। फ्रेंड्स, ये पिगमेंट सेल्स कंटिन्यूअसली एक पिगमेंट जो होता है मेलानिन नाम का उसे प्रोड्यूस करती है, और ये मेलानिन हमारे जो बालों का कलर है वो डिसाइड करता है, मीन्स की कुछ लोगों का काला, भूरा या फिर हल्का लाल कलर के भी आपको बाल देखने को भी मिल सकते हैं। तो ये मेलानिन की क्वांटिटी और उसके सिक्रीशन पर भी डिपेंड करता है कि आपके बालों का कलर क्या है, और ये मेलानिन हमारी बॉडी को भी कलर और टोन जो है वो प्रदान करता है। तो जब ये पिगमेंट सेल्स धीरे धीरे मेलानिन का सिक्रीशन कम करने लगती हैं, वो नेचुरली तो जैसे कि होता है एज वाइज उनका सिक्रीशन कम होने लगता है, क्योंकि वो जो हेयर फॉलिकल है, जो पिगमेंट सेल्स हैं, वो धीरे धीरे श्रिंक होती हैं, मीन सिकुड़ने लगती हैं और फिर डेड हो जाती हैं और उनमें फिर कोई सिक्रीशन नहीं होता है। तो जब मेलानिन निकलेगा ही नहीं तो आपके बाल का कलर जो है वो धीरे धीरे ग्रे होते होते भूरे होते हुए व्हाइट हो जाता है, फिर उनमें कोई कलर दिखता ही नहीं है, तो इस तरीके से बाल जो है वो सफेद होते हैं। तो अगर आपके बाल सफेद होने लगे हैं, बहुत जल्दी होने लगे हैं, मींस कि अभी आपकी एज ज्यादा नहीं है, उम्र बहुत कम है और आपके बाल जो है वो सफेद होने लगे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले तो अपनी डाइट भी स्ट्रांग करिए। आप बहुत अच्छी हेल्दी डाइट लीजिए, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी रिच डाइट लीजिए। आपके शरीर में खून की कमी भी नहीं होना चाहिए, तो आप अपना HBP जरूर टेस्ट कराएं। अगर आपका HBP कम है तो आप हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाली डाइट भी ले सकते हैं। मेरे और भी बहुत सारे वीडियोज हैं हेयर के ऊपर, उसमें आप डाइट वगैरह डिटेल में देख सकते हैं कि क्या खाना चाहिए आपको अपने बालों को हेल्दी रखने के लिए। इसलिए मैं मेडिसिन पार्ट की तरफ चलती हूँ कि आपको मेडिसिन कौन सी लेनी है इस कंडीशन में। तो आपको जो सबसे पहली मेडिसिन लेनी है वो है वेस्बटन 30 मेडिसिन। बहुत बढ़िया मेडिसिन है ये, आपके बालों को तुरंत रोकेगी सफेद होने से, साथ ही जो आपके नए बाल है ना उन्हें भी उगाएगी, मीन्स की आपकी हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करती है। वेस्बटन 30 आपको लेनी है, 4-4 बूंद अपनी टंग पर लेनी है, दिन में 3 बार लेनी है, सुबह, दोपहर, रात। ध्यान आपको ये रखना है कि आप जितनी भी मेडिसिन लेकर आए वो सभी जो है बहुत अच्छी कंपनीज की होनी चाहिए, जैसे कि आप रेक्वेक की ला सकते हैं, SBL की ला सकते हैं, मेडिसिन कंपनी की बहुत अच्छी होती है मेडिसिन, तो आप किसी अच्छी कंपनी की लाएं और हो सके तो सील पैक मेडिसिन लाएं। 30-30 ml की पैकेजिंग में आपको सील पैक मेडिसिन मिल जाएंगी, तो आप सील पैक लाएंगे तो उसकी जो क्वालिटी रहेगी वो बहुत अच्छी रहेगी। सबसे पहले तो वेस्बटन 30 मेडिसिन लेनी है। जो दूसरी मेडिसिन है वो है पिलोकार्पस 1 ml। पिलोकार्पस 1 ml मेडिसिन को आपको 15 दिन में एक बार लेनी है, मींस की 15 डेज में आपको केवल एक बार लेनी है। आपको इसकी 2-3 बूंद अपनी डायरेक्ट टंग पर लेना है, और वो डेट आप नोट कर लीजिए आपने कब ली है, और उसके नेक्स्ट 15 डेज बाद आप इसकी नेक्स्ट डोज रिपीट करिए। ऐसे आपको 15-15 दिन में इसको लेते रहना है। जो थर्ड मेडिसिन है वो है एसिडफॉस 30। इसको भी आपको 2-3 बूंद डायरेक्ट अपनी टंग पर लेनी है, इसे भी आप दिन में 3 बार ले। इन 3 दवाइयों की मदद से आप अपने सफेद बाल होने को रोक सकते हैं, मीन्स अगर आपके बाल होने लगे हैं तो ये बाल सफेद होना रुक जाएंगे। अब मैंने आपसे जैसे कहा था कि मैं आपको एक हेयर ऑयल भी सजेस्ट करूंगी, तो वो हेयर ऑयल का नाम है जैपोरेंटी हेयर ऑयल।
इसे आप विजल कंपनी का लेकर आए। इस कंपनी का ये जो हेयर ऑयल होता है ये बहुत अच्छा होता है, और इस हेयर ऑयल से आपको अपने हेयर्स की मसाज करनी है। आप डेली आपको रात में मसाज करनी है अपने बालों की, और बहुत हल्के हाथ से सर्कुलर मोशन में करिए स्कैल्प में, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो आपके जो हेयर फॉलिकल है उन तक जो है अच्छा खून पहुंचेगा, ब्लड पहुंचेगा, और वो अच्छे से मैच्योर रहेंगे और वो जल्दी श्रिंक नहीं होंगे, क्योंकि उनमें ब्लड ऑक्सीजन वगैरह सब प्रॉपर मिलती रहेगी। इसलिए मसाज का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आजकल बहुत कम लोग मसाज करते हैं, तेल मालिश करने से बहुत ज्यादा कतराने लगे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी पसंद नहीं करते कि उनके बालों में आप हेयर ऑयल से मसाज करें, तो यही फिर आगे जब होते हैं बच्चे बड़े होते हैं या फिर बड़े लोग होते हैं उनमें फिर प्रॉब्लम आपको देखने को लगने लगती है कि उनके बाल भी सफेद हो रहे हैं, झड़ने लगते हैं, टूटने लगते हैं। तो हेयर मसाज जो है वो आप एक नियम बना लें करने की, डेली रात को करिए, नेक्स्ट डे आप शैम्पू कर लीजिए। बहुत लाइट हेयर ऑयल है, बहुत बढ़िया हेयर ऑयल है, इसे आप जरूर यूज करिए। इन मेडिसिन के साथ आपको रिजल्ट मिलेंगे। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे चैनल को, और साथ ही लाइक करके शेयर करिए जिससे बहुत से लोगों को इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।